प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के बीच आज दोपहर 12 बजे के बाद वर्चुअल शिखर बैठक, यूक्रेन के मौजूदा हालात समेत द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। संसद में बजट सत्र का आज से दूसरा हफ्ता शुरू होगा। सुबह 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होगी। कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सदस्य अनिल घनवट सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जमा की गई रिपोर्ट जारी करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा आज देशभर में आक्रोश दिवस मनाएगा। केंद्र सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत आज दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुना सकती है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की बढ़ सकती है मुश्किलें। रोडरेज मामले में सिद्धू की सजा बढ़ाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। गोवा में शाम 4 बजे होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। बीजेपी पेश करेगी सरकार बनाने का दावा। उत्तराखंड में सुबह 10 बजे प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत को राज्यपाल दिलाएंगे शपथ। फिर होगा नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण। देहरादून में शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री का नाम होगा तय। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी मौजूद रहेंगी। चार राज्यों में सरकार गठन को प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर 5 घंटे तक चली हाई लेवल मीटिंग। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा जेपी नड्डा भी हुए शामिल। उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के घर हुई बीजेपी नेताओं की बैठक। बीएल संतोष, पुष्कर धामी, त्रिवेंद्र रावत और सतपाल महाराज समेत कई नेता मौजूद थे। अमित शाह के बाद रमेश पोखरियाल के घर भी पहुंचे सभी बीजेपी के नेता। पुष्कर धामी ने कहा सीएम पर केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है, केंद्रीय नेतृत्व उस पर तय करेगा। मणिपुर में एन बीरेन सिंह ही होंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। बीरेन सिंह दूसरी बार बनेंगे मुख्यमंत्री। लखनऊ में 25 मार्च को शाम 4 बजे यूपी के सीएम पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। इकाना स्टेडियम में तैयारियां हैं जोरों पर। अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। यूपी में कम वोट से हारे बीजेपी उम्मीदवारों को प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भेजी चिट्ठी, आगे के लिए दिया मार्गदर्शन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 23 मार्च से 5 दिन का वाराणसी का दौरा। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों को संबोधित किया। सीएम भगवंत मान की तारीफ की। कल जो आपने 25,000 सरकारी नौकरियों का ऐलान किया, इससे लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर तंज, कहा पंजाब में हमने सरकार बनाकर काम शुरू कर दिया। चार राज्यों में जीत के बाद भी बीजेपी में झगड़ा चल रहा है, सरकार नहीं बना पा रही। भारतीय जनता पार्टी जो चार राज्यों में जीती थी अभी तक उनसे सरकार नहीं बन पा रही। अभी उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसको मंत्री बनाए, किसको ये बनाए, किसको वो बनाए। काम तो वो क्या करेंगे, उनसे उनकी सरकारें नहीं बन पा रही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने सीएम भगवंत मान की तारीफ की। बोले मान दिल्ली की छाया से बाहर निकल रहे हैं, ये पंजाब के लिए अच्छी बात है। पंजाब में मान सरकार का बड़ा फैसला। विक्रम अजीठिया ड्रग्स केस की जांच कर रही एसआईटी बदली गई। नई एसआईटी आईजी गुरुशरण सिंह संधू की देखरेख में काम करेगी। पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का जोर। 6 अप्रैल को मंडी में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का है रोड शो। हिमाचल में 10 दिसंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला। सस्ती होगी देशी शराब, नई आबकारी नीति को मंजूरी। अंग्रेजी शराब महंगी हो सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का आरजेडी में विलय। तेजस्वी यादव ने कहा विपक्षी दलों ने सरकार से लड़ने की तैयारी में देर कर दी है, पहले से साथ होना था। हमेशा सदैव शरद जी का साथ दिया है, तो हम आप लोगों से इतना ही कहना चाहेंगे
कि हमारी पार्टी अब आपकी पार्टी। यूपी के सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिली कश्मीर फाइल्स की टीम, यूपी में कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने के लिए दिया धन्यवाद। ये फिल्म जो कश्मीरी हिंदुओं का दर्द जो 32 साल तक लोगों से छुपा के रखा गया या लोगों तक पहुंचा नहीं, उसके लिए इस बड़े पैमाने पर एक जो प्यार उमड़ा है। एक ऐसा मुद्दा था जो बहुत सालों से दबा हुआ था, ये सच किसी को पता नहीं था, इसलिए जिस तरह से भारतीय एक हो गए हैं ये फिल्म देखने के बाद। योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट, कश्मीर फाइल्स ने अखंड भारत के सपने की और भारतीयों को जोड़ने का काम किया है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर निशाना, कहा जिन्ना ने देश का बंटवारा किया था अब बीजेपी फिर देश का बंटवारा करना चाहती है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से काम नहीं चलेगा। धमकी मिलने के बाद हिजाब पर फैसला देने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 3 जजों को 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सुबह 11 बजे दिल्ली में ईडी के सामने होंगे पेश, बोले बीजेपी बंगाल में हार को पचा नहीं पा रही, इसीलिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन मुस्ताक अहमद शेख समेत 18 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने कई आपराधिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की, बैंक को 800 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में की पल्स पोलियो महाअभियान की शुरुआत, 28 मार्च तक चलने वाले इस अभियान में 3.5 करोड़ बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएंगी। न केवल वर्तमान को बल्कि भावी पीढ़ी को भी बचाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास करना होगा और पल्स पोलियो अभियान उसी का हिस्सा है। भारत में 2000 के नीचे आए कोरोना के मामले, एक दिन में 1761 नए मरीज मिले, 127 लोगों की मौत, कुल एक्टिव केस 26,000 के करीब। डीजल के दामों में भारी इजाफा, थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल के दाम 25 रुपए प्रति लीटर बढ़े, हालांकि डीजल के खुदरा दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 40% उछाल के बाद उठाया गया कदम। राजस्थान के धौलपुर में दबंगों पर महिला से गैंगरेप और पति से मारपीट के आरोप, खेत से अपने पति के साथ लौट रही थी महिला, पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। धौलपुर में महिला के साथ दरिंदगी मामले में बीजेपी का गहलोत सरकार पर निशाना, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शासन में राजस्थान में अपराधियों का तालिबानी शासन। राजस्थान के पाली में अनुसूचित जाति के युवक को दबंगों ने उतारा मौत के घाट, मृतक जितेंद्र की लाइफस्टाइल दबंगों को गुजरी नागवार, युवक हेल्थ सहायक के पद पर तैनात था, आरोपी अरेस्ट। लुधियाना के हैबोवाल में पुलिस वाले ने महिला को AK-47 से गोली मारी, महिला की मौत, पुलिस वाले ने खुद को भी मारी गोली, हालत गंभीर। यूपी के मेरठ में एक शख्स की पीट पीट कर हत्या, उधार के पैसे मांगने पर हुई युवक की पिटाई, हत्या के मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। पाकिस्तान में पीएम इमरान खान की कुर्सी पर संकट, इमरान की पार्टी पीटीआई के कई सांसद बागी हुए, पीटीआई ने अपने 14 बागी सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। संकट में घिरे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान, अपनी पार्टी के बागी सांसदों के खिलाफ इमरान खान आज सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बागियों के गुगली में फंसे इमरान खान और विपक्ष में आर पार की जंग, इमरान के खिलाफ पाकिस्तानी संसद में 25 मार्च को पेश होगा अविश्वास प्रस्ताव, स्पीकर ने प्रस्ताव पेश करने की मंजूरी दी, 28 मार्च को वोटिंग संभव। इमरान खान ने विपक्ष के नेताओं को डाकू कहा, रैली में बोले सरकार के खिलाफ बड़े बड़े डाकू इकट्ठा हो गए हैं, डाकू चोरी के पैसे से सांसद खरीद रहे हैं। अमेरिका के अरकनसास में एक कार शो के दौरान फायरिंग, एक शख्स की मौत, करीब 20 लोग घायल, घायलों में बच्चे भी शामिल। ABP News आपको रखे आगे।